नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। वो पिछले साल का कोरोना का कहर शायद आप नहीं भूले होंगे। वो लॉकडाउन, सड़कें सुनसान, सब कुछ एक तरह से बंद था और लोग अपने अपने घरों में कैद थे। वक्त बहुत बुरा था क्योंकि बहुत लोगों ने अपनों को खोया था, लेकिन ये कहर भारत में दोबारा लौटता हुआ नजर आ रहा है। इस साल के डराने वाले आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस साल में सबसे ज्यादा इसी महीने में कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 62,632 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा कम नहीं है क्योंकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के महीने में 63,000 मामले थे। यानी पूरे 5 महीने बाद कोरोना के मामलों में दोबारा से इतना इजाफा हो रहा है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये लोगों की लापरवाही है? क्या देश की जनता ने ये मान लिया है कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना खत्म हो चुका है? क्योंकि अब सड़कों पर लोग लापरवाही से बिना मास्क के दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ जनता से नहीं है, ये सवाल सरकार से भी है, पॉलिटिकल पार्टीज से भी है। सवाल ये है कि क्या चुनावी राज्यों में कोरोना नहीं आता है? क्योंकि बंगाल से लेकर असम तक बड़े से बड़े लीडर की चुनावी रैलियों में ना ही लोग मास्क में दिख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये जब जब इलेक्शन होंगे तब तक कोरोना वहां नहीं आएगा? बता दें, पिछले साल बिहार में जब इलेक्शन हुए थे तब भी लगातार रैली हुई थी, उस वक्त भी किसी ने भी कोरोना का डर नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, नजर डालते हैं राज्यों पर। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भी कोरोना ने बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन शनिवार को 1500 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। दिल्ली में खुली जगह में होने वाले शादी समारोह में 200 से ज्यादा गेस्ट की इजाजत नहीं है, जबकि बंद जगह में होने वाले शादी समारोह के लिए अधिकतम संख्या 100 की गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों की शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली में यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। कोरोना के नए मामले ने फिर 35,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि 160 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। राज्य में अब 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा और मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी तरफ रंग में भंग होने वाला है। कहने का मतलब है इस बार त्योहार का रंग फीका होने वाला है, क्योंकि इस बार बंदिशों के साथ होली और शब बारात मनानी पड़ सकती है। बता दें, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर होली और शब बारात के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। ये तो बात रही कोरोना की, लेकिन दी कंटाप की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आपसे अपील करते हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। और हाँ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करें, क्योंकि ये आपके लिए हमारे लिए सेफ है। शुक्रिया।